परम आदरणीय शराबबंदी के समर्थक दोस्तों भाइयों, शराबबंदी लागू हुए कितना साल हो गया। राज्य को लगभग 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की राशि त्याग करना पड़ रहा है, लेकिन इससे समाज को, राज्य को कितना फायदा हो रहा है और फायदा इसका क्यों नहीं हो रहा है, इस पर नए ढंग से विचार करने की जरूरत है। मंत्रिमंडल के में सहभागी निभाने वाले भी कोई न कोई महान आत्मा ने शराबबंदी का पूर्ण रूप से, व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होने का जबरदस्त विरोध किया है। यह प्रशंसनीय कार्य है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन करता हूं और यह पूर्ण रूप से, पूरी तरह से कैसे लागू हो, कैसे शराबबंदी व्यवहारिक रूप से बंदी हो, इस पर प्रशासन को, कार्यकर्ताओं को, सबको विचार करना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सिस्टम, सरकारी आदेश ध्वस्त हो जाता है। इसलिए नए ढंग से सरकारी अधिकारियों को दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम में सुधार लाने के लिए समाज के नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठित होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी आप इस संगठित महामाफिया से मुकाबला कर सकते हैं, समाज को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।